रूस और यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 500 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों देशों में से कोई भी पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है। 16 महीने से चल रही ये जंग अब और घातक रूप धारण कर चुकी है। थल और हवा में जंग के बाद अब इस विनाशक युद्ध ने जल का रुख कर लिया है। रूस यूक्रेन के बीच अब समुद्र में भीषण जंग शुरू हो गई है। दोनों देशों ने काला सागर में लाल युद्ध छेड़ दिया है। लगातार ड्रोन मिसाइल अटैक के बाद अब बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह को दर्जनों ड्रोन हमले से तबाह कर दिया। इससे भड़का यूक्रेन भी कहां रुकने वाला था। यूक्रेन अब जवाब में रूस के नोवोरोसिस्क बंदरगाह पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। काला सागर में दोनों सेनाओं के जंगी युद्धपोतों ने तांडव मचा रखा है। धमाकों और गर्जना से काला सागर में खलबली मची हुई है। किसी भी सूरत में यूक्रेन ओडेशा बंदरगाह पर तबाही का बदला लेना चाहता है। दूसरी ओर रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने नोवोरोसिस्क बंदरगाह पर उसकी नौसेना के अड्डे पर समुद्री ड्रोन से हमला किया। बता दें कि नोवोरोसिस्क काला सागर तट पर रूस का एक प्रमुख बंदरगाह है और यहां रूसी नौसेना का अड्डा, पोत, निर्माण यार्ड और एक तेल टर्मिनल भी है। निर्यात के लिहाज से रूस का ये बड़ा पोर्ट है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के 13 ड्रोन को मार गिराया गया है और 2 यूक्रेनी समुद्री ड्रोन के हमले को विफल कर दिया गया। जहां एक ओर यूक्रेन रूस से बदला लेना चाहता है तो वहीं काला सागर में रूसी नौसेना यूक्रेनी बलों की पीछा करने में जुटी है। रूस यूक्रेन के एक एक कदम पर नजर रख रहा है ताकि पोर्ट पर यूक्रेन के हर हमले को नाकाम किया जा सके।